महापर्व छठ की शुरुआत होने वाली है। छठ पर्व की तैयारी अंतिम दौर में है। घाटों पर लाइटिंग से लेकर शौचालय वॉच टावर तक बनाए गए हैं ताकि व्रतियों को कठिनाई ना हो। पटना के जेपी सेतु घाट पर छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्र ने। दो दिनों बाद लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और पटना में किस तरह की तैयारी है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग जेपी सेतु घाट पर हैं और यहाँ पर काफी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और चूंकि जेपी सेतु घाट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो तट बना हुआ है, गंगा तट है, वो काफ़ी फ्लैट है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि दलदल की स्थिति यहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि इस घाट पर हर साल लगभग लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो छठ व्रती है वो पहुँचते हैं और अपने छठ व्रत को पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में लगभग 106 ऐसे घाट बनाए गए हैं जहाँ पर छठ व्रती अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जिन्हें घाट पर आने में परेशानी है वो अपने आसपास के तालाब या पार्क में भी अर्घ दे सकते हैं। 60 से ज़्यादा ऐसे तालाब हैं जहाँ पर अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 43 पार्कों में भी अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। चूंकि बिहार सरकार का पूरा फोकस रहता है कि छठ पर्व में चूंकि बाहर से भी जो व्रती हैं उनके परिवार के सदस्य हैं वापस पटना लौटते हैं, बिहार लौटते हैं, और ऐसे में उनके लिए विशेष व्यवस्था हुई कोशिश की जाती है। आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे जो है टावर बनाए गए हैं जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कई प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं जहाँ पर जो नगर निगम के स्टाफ है या फिर सुरक्षाकर्मी है वो तैनात रहेंगे, कहीं कुछ घटना ना हो इसकी इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में व्रती आएंगे और रात में भी व्रती यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, तो उसका इंतज़ार बेहद खास होता है। और यही वजह है कि बहुत सारे व्रती जो है वो घाट पर ही रुकना पसंद करते हैं। गोताखोर की व्यवस्था की गई है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, शौचालय का निर्माण कराया गया है और चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने की आवश्यकता होती है इसलिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर कहें तो लगभग दुर्गा पूजा के समय से ही यहां पर छठ पर्व को लेकर तैयारी शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जायजा लिया है, जो तैयारियां चल रही हैं डीएम कमिश्नर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी अलग अलग घाटों पर जाकर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है या नहीं है। तो इस बार भी माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी छठ पर्व बेहतर तरीके से संपन्न होगा। क्या पसंद श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना। तो छठ पूजा को लेकर पटना के खतरनाक घाटों को भी चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन ने ऐसे घाटों को लाल कपड़े से कवर कर दिया है। इसके अलावा व्रती गंगा में डेंजर जोन में प्रवेश ना करें और इसके लिए बैरिगेटिंग की व्यवस्था भी की गई है। संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने घाटों की सुरक्षा का जायजा लिया है। छठ पर्व पर सब फिर से बिहार में होने वाले छठ पर्व पर पूरे विश्व की निगाहें होती हैं, क्योंकि बिहार के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं और स्वाभाविक तौर पर पटना के छठ घाट की अपनी अहमियत होती है और उसके लिए तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जाती है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के छठ घाटों की और किस तरह से तैयारी की जाती है। ये हम तस्वीर आपको गंगा की तरफ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। आप इसके बाद नहीं जा सकते हैं, आपको अगर अर्घ देना है तो बस ये जो अच्छे घाट हैं वहाँ आप अर्घ दे सकते हैं। अलग व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कहीं किसी को कठिनाई ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गोताखोर भी बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि कहीं किसी व्रती को कोई परेशानी ना हो। पुलिस की वैसी ही व्यवस्था की गई है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और स्वाभाविक तौर पर छठ पर्व ऐसा पर्व है जहां पर लाखों की तादाद में व्रती और उनके परिवार के सदस्य घाटों तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि हर व्रती अपने घर तक बेहतर तरीके से पहुंचे, उसे कोई कठिनाई ना हो। और यही वजह है कि आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो रेड कपड़े से घेरा गया है, आप इस साइड आकर के
अर्घ्य नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये जो घाट है वो ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह से रेड कपड़े से घेर दिया गया है। और स्वाभाविक तौर पर आप देखिए ये कोशिश की जा रही है बैरिकेडिंग की, किस तरह से लगाया जा रहा है आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है, क्योंकि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। और पहले ये बैरिकेडिंग किया गया था, लेकिन जब ये घोषित हो गया कि ये घाट जो है अब काम का नहीं है, तो अब बैरिकेडिंग को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के बैरिकेड लगाए गए हैं, पीला कपड़ा ये सिंबल है कि आप यहाँ पर अर्घ दे सकते हैं, और रेड कपड़ा सिंबल है कि आप यहाँ पर अर्घ नहीं दे सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सबकी यही कोशिश है कि बेहतर तरीके से छठ पर्व संपन्न हो, सुरक्षित छठ पर्व संपन्न हो। इसके लिए अपने स्तर से सरकार ने काफ़ी तैयारी की है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मॉनिटर भी करते रहे, जिला प्रशासन के पदाधिकारी DM SSP सबने मॉनिटरिंग की है, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार का छठ पर्व भी हर साल की तरह बेहतर तरीके से संपन्न होगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, 24 न्यूज़, पटना।